चिन्नास्वामी टेस्ट मात्र एक दिन में हारा हिंदुस्तान, बल्लेबाजों ने किया शर्मसार तो कीवी गेंदबाजों ने मचाया हाहाकार। आप भी सुनकर दंग हो गए होंगे कि भैया चिन्नास्वामी टेस्ट भारतीय टीम एक दिन में लगभग हार चुकी है। यह शर्मसार शर्मनाक कर देने वाला प्रदर्शन है, शर्म के मारे डूब मरने वाला प्रदर्शन है। भारतीय टीम की बल्लेबाजी यूनिट पर आप एक बार नजर उठाकर देखेंगे, गौर अगर फरमाएंगे तो वहां पर विराट कोहली द किंग, उसके बाद रोहित शर्मा द कूल कैप्टन, और नीचे आए तो ऋषभ पंत द फिनिशर, और उसके अलावा देखें तो रविंद्र जडेजा आर अश्विन जैसे बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी और केएल राहुल जैसे बेहतरीन टेक्निकल बल्लेबाज। इन बल्लेबाजों के रहने के बावजूद अगर भारतीय टीम चिन्नास्वामी पर 100 का आंकड़ा न टाक पाए, इन बल्लेबाजों के रहने के बावजूद अगर मात्र 2 सेशन में भारतीय बल्लेबाज ऑल आउट हो जाएं, इन बल्लेबाजों के रहने बावजूद अगर चिन्नास्वामी की पिच पे भारतीय बल्लेबाजों का यह हसर हो, भारतीय बल्लेबाजी बेबस दिखे, भारतीय बल्लेबाजी कीवी गेंदबाजों के आगे नतमस्तक होती हुई दिखे, तो इन लोगों के लिए यह शर्मनाक प्रदर्शन है, शर्मसार कर देने वाला प्रदर्शन है, नींद उड़ाने वाला प्रदर्शन है। आज गंभीर को नींद नहीं आएगी, आज स्वप्न में डराएंगे रोहित शर्मा को टीम साउदी, वही केएल राहुल और विराट कोहली सोचेंगे कि भैया जल्द से जल्द अब फॉर्म में आना है, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। ये कोई सेंचुरियन नहीं है, ये लॉर्ड्स भी नहीं है, ये भैया गाबा भी नहीं है, जहां पर एक बार एक्सेप्ट कर लिया जाए कि चलिए आप 46 पर ऑल आउट हो गए, एक बुरा दिन आ गया, अभी कंडीशन से आप अवगत नहीं है, धीरे धीरे होंगे अवगत, पहला मुकाबला है श्रृंखला का, तो चलिए अगले मुकाबले में आप वापसी करेंगे। लेकिन ये तो चिन्नास्वामी थी, यहां पर आप पले बढ़े हैं, यहीं के कंडीशन से अवगत होते हुए आए हैं, यहां पर आप आईपीएल लगातार मुकाबले खेलते हैं, यहीं पर केएल राहुल पदार्पण भी किया हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस में आप कैसे 46 पर ऑल आउट हो जाएंगे और कैसे भारतीय प्रशंसक ये परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेंगे। एक तो आप कह रहे हैं कि गौतम गंभीर की अगुवाई में हम धाक जमाएंगे, गौतम गंभीर की अगुवाई में हम अनबीटेबल टीम बनेंगे, गौतम गंभीर के अगुवाई में हम दहशत मचाते हुए वर्ल्ड क्रिकेट में दिखेंगे, लेकिन जब भी स्विंग करती है गेंद, जब भी अच्छे सीम गेंदबाज आते हैं, तो आपकी बल्लेबाजी बिल्कुल ही धाराशायी हो जाती है, बिल्कुल ही जैसे लगता है कि बेबस नजर आते हैं हमारे बल्लेबाज, ऐसा लगता है कि नौसिखिए खिलाड़ी खेलते हुए दिख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोफेशनल क्रिकेट हो ही नहीं रहा है। मजाक बन गया था आज पहला दिन, और कीवी गेंदबाजों ने वहीं पर हाहाकार मचाया, कीवी गेंदबाजों ने दिखाया कि किस लेंथ पर ऐसी पिचों पर ऐसे कंडीशंस में पटकना है। नए नए गेंदबाज विराट कोहली का विकेट लेते हुए दिख रहे हैं, ये विराट कोहली के लिए अब चिंतन का समय आ गया है, मंथन का समय आ गया है कि गुरु अब फॉर्म में आना है, नहीं तो ये भारतीय बल्लेबाज नाक कटवा देंगे। ये भारतीय बल्लेबाज ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के ऊपर निर्भर रहते हैं, और विराट कोहली का अगर बल्ला नहीं चलता है तो ऐसे ही स्कोर आपको चिन्नास्वामी पर देखने को मिलेगा। विराट कोहली को अब समय है फायर करने का, दूसरी पारी में खासकर बल्ला हर एक भारतीय बल्लेबाज का बोलना चाहिए, नहीं तो पारी से हार का खतरा भारतीय टीम के ऊपर मंडरा रहा है। यहां पर रोहित शर्मा टॉस जीतते हैं, पहले बल्लेबाजी का फैसला लेते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि रोहित शर्मा ने पिच को पढ़ने में भूल कर दी, पिच को पढ़ने में गलती कर दी, और वहां पर 3 स्पिनर लेकर आते हैं। वहीं न्यूजीलैंड टीम उनकी अपोनेंट 3 पेसर लेकर खेलती है और उसका उनको भरसक फायदा मिलता है। टॉम लेथम ये सोच रहे होंगे, राहत भरी सांस ले रहे होंगे कि चलिए बल्लेबाजी नहीं की, अन्यथा हमारी भी मुश्किलें हो जाती, क्योंकि जो परिस्थितियां थी ओवरकास्ट कंडीशंस थे, बारिश हुई थी, नमी थी, स्विंग अच्छा मिल रहा था, जिस कारण से थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों द्वारा भी बहुत सारी गलतियां की गई, जिसके कारण हम ये देख रहे हैं कि पहले ही दिन भारतीय टीम इस मुकाबले में काफी पीछे हो चली है। अब WTC फाइनल मुश्किल हो चला है, यहां पर अगर हार आती है, जो कि यथासंभव दिख रहा है, जो कि साफ प्रदर्शित हो रहा है कि यहां पर लगभग हार चुकी है भारतीय टीम, अब कुछ मिरेकल ही, कुछ बड़ी पारियां ही भारतीय टीम को बचा सकती है, ऋषभ पंत का कुछ हीरोइक्स ही बचा सकता है विराट कोहली का, वो जल्द से जल्द फॉर्म में आना पड़ेगा, अन्यथा न्यूजीलैंड 134 रनों से आगे इस टेस्ट मुकाबले में, 2 दिन समाप्त हुए हैं, 3 दिन बाकी हैं, इंद्रदेव की माया हो जाए तो अलग बात है, या फिर ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज तूफानी पारी खेल जाए तो अलग बात है, अन्यथा हार का संकट अब भारतीय टीम पर मंडरा रहा है। अगर हम इस मुकाबले के स्कोर कार्ड की बात करें, भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आती है, बेबस दिखते हैं रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल बिल्कुल ही उनको बांधे रखती है न्यूजीलैंड टीम की पेस अटैक, और फिर एक अंदर आती हुई गेंद टीम साउदी की रोहित शर्मा की गिल्ली उखाड़ देती है, फिर वह सिलसिला जारी रहता है, विराट कोहली अपना विकेट फेंकते हैं, विराट कोहली के बाद सरफराज खान काउंटर अटैक के लिए जाते हैं,
वो अपना विकेट फेंकते हैं। हालांकि डेविन कॉनवे का वो बहुत शानदार कैच रहता है। फिर अगर हम उसके नीचे आए तो ऋषभ पंत यशस्वी के बीच अच्छी साझेदारी दिखती है। दोनों युवा बल्लेबाज लगता है कि टिकेंगे, डटेंगे, कम से कम 200 तक तो भारत को पहुंचाएंगे। लेकिन यशस्वी जायसवाल प्रेशर हटाने के चक्कर में एक शॉट खेलते हैं और वो सीधे कैच चला जाता है एजाज पटेल को, और वो भी बहुत बेहतरीन कैच रहता है। फिर उसके बाद तो जैसे लगता है पतझड़ सा शुरू हो जाता है, तू चल मैं आता हूं कहानी शुरू हो जाती है। केएल राहुल एक खराब शॉट खेलकर आउट होते हैं, फिर रविंद्र जडेजा वैसे ही आते हैं चले जाते हैं, अश्विन का भी वही हाल होता है, आते हैं चले जाते हैं, तू चल मैं आता हूं की कहानी, और लगातार विकेट गिरते रहते हैं। तो ऋषभ पंत भी अपना विकेट फेंक कर पवेलियन की तरफ चले जाते हैं और पूरी की पूरी भारतीय टीम 46 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गज अपना खाता तक नहीं खोल पाते हैं, उसमें अश्विन का नाम भी शुमार है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दुर्दशा हुई आज भारतीय टीम की। आज भारतीय कप्तान, भारतीय कोच सोचेंगे कि कहां मुंह छिपाए फिरें। मैट हेनरी यहां पर 5 विकेट निकालते हैं, 4 विकेट विलियम और रूर्की, और पूरी की पूरी भारतीय यूनिट 46 रनों पर ढेर हो जाती है। यशस्वी 13 बनाते हैं, पंत 20, बाकी पूरी बल्लेबाजी मात्र सिंगल डिजिट का स्कोर करती है। न्यूजीलैंड की तरफ से कानवे 91 रन 105 गेंदों पर बेहतरीन पारी। उसके अलावा विलियंग 33, रचिन रविंद 22, डेरी मिशेल 14, टॉम लेथम 15 रन। अगर भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो अश्विन के नाम 1, कुलदीप के नाम 1 और 1 विकेट रविंद्र जडेजा के नाम है। तो देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके से तीसरा दिन चलता है। यहाँ पर न्यूजीलैंड चाहेगी कि ये जो उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की हुई है उसको कैरी फॉरवर्ड करें, एक अच्छा लीड ले रखें पहले पारी में, ताकि दूसरी पारी में जब वो चौथे या पांचवें दिन चौथी पारी में खेलने उतरे तो उनको ज्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। वहीं भारतीय बल्लेबाजी यूनिट सोचेगी कुछ मिराकल किया जाए, कुछ बड़ी पारियां खेली जाए, कम से कम एक पारी तो आए 100-150 रनों की, तभी जाकर वो अपनी इज्जत और लाज बचा सकते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके से तीसरा दिन चलता है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, लेकिन कमेंट में आपका कमेंट आ जाना चाहिए कि क्या भारतीय टीम अपनी इज्जत, अपनी लाज इस टेस्ट मुकाबले में बचा पाएगी, कुछ हीरोइक्स कर पाएगी, क्या कमबैक हो पाएगा। कमेंट आपका आ जाना चाहिए।